हेलो डियर किसान, आज के वीडियो में बात करेंगे लहसुन में कौन सा खाद डालें जिससे उत्पादन के टूटेगा रिकॉर्ड और लहसुन का मरा हुआ पौधा भी होगा जिंदा। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं लहसुन में आपको क्या कौन सी खाद डालनी चाहिए और कितनी मात्रा में डालनी चाहिए और किस प्रकार से डालनी चाहिए जिससे आपके लहसुन के काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो सके। तो चलिए किसान भाइयों, पहले बात कर लेते हैं लहसुन में खाद आपको 35 से 45 दिन पर। आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको यूरिया ज़्यादा नहीं डालना है। यूरिया अगर आप ज़्यादा डालते हैं तो कलियाँ आपकी फट सकती है जिससे आपका लहसुन ख़राब हो सकता है। आपको अगर यूरिया देना भी है तो हल्की मात्रा में यूरिया का उपयोग करें। और उसके बाद बात कर लेते हैं सिंचाई के बारे में। तो किसान साथियों, इसमें लहसुन की खेती में सिंचाई एक समान करें, क्योंकि ऐसा ना करें कि किसी ओर अधिकतर पानी कर दे और किसी ओर पानी की मात्रा ही नहीं हो। आपको हल्की सिंचाई करनी है लहसुन की फसल में जिससे आपका लहसुन की नमी बना रहे, एक समान भूमि तल में नमी एक साथ रहे। उसके बाद बात कर लेते हैं आपको कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो आपको लिए सबसे बेस्ट खाद रहेगा लहसुन के लिए फास्फोरस और पोटास। ये दोनों खाद आपको लहसुन के जितने भी पोषक तत्व होते हैं सभी पूरा करते हैं, यही दो खाद। तो आपको क्या करना है, इस दोनों खाद को यूज करना है। इससे क्या होता है कि इसका जो कंद होता है वो बड़ा होता है और इसका बहुत सारा चीज़ में ग्रोथ देखने को मिलेगा आपको जब ये डालते हैं। तो उसके बाद आपको लहसुन में अगर निराई गुड़ाई की बात करें तो 2 से 3 निराई गुड़ाई आपको लहसुन में करनी बहुत ही आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं मेन टॉपिक पर कि कौन सा खाद डाले और कितनी मात्रा में डाले जिससे लहसुन का होगा उत्पादन में रिकॉर्ड तोड़ और लहसुन की फसल में काफ़ी ज़्यादा होगी ग्रोथ। तो आपको डालना है कौन सी खाद और कितनी मात्रा में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको डालना है सागरिका। जी हाँ किसान भाइयों, सागरिका आपको डालना है 8 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। ये आपको लहसुन को बनाएगा बेमिसाल। उसके बाद बात कर लेते हैं ये सागरिका का क्या मतलब फ़ायदा मिलेगा आपके लहसुन में। तो इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध रहता है जो कि आपको लहसुन के पौधे के लिए जितना भी पोषक तत्व की ज़रूरत होती है सारे पोषक तत्व सागरिका ने देती है। वही बात कर लेते हैं सागरिका के साथ आपको और कौन सा खाद देनी चाहिए। सागरिका के साथ में आपको 10 से 12 kg पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से देनी चाहिए। किसान भाइयों, पोटास और सागरिका दोनों को मिला के लहसुन में आपको डाल देनी चाहिए। दोनों को एक साथ मिला दे और उसके बाद लहसुन में डाले। उसके बाद आपको क्या करना है किसान भाइयों, लहसुन में डालने के बाद आपको करना क्या है कि हल्की सिंचाई लहसुन के ऊपर से कर देनी है जिससे आपका लहसुन में नमी बना रहे और आपका खाद का पोषक तत्व सही से आपके लहसुन के पौधे के दे पाए। तो किसान भाइयों, ये रहा वीडियो लहसुन के रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन के लिए कौन सा खाद डालनी चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और भी किसान भाइयों तक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।